सरकार किसानों की आय दुगनी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकारी सिस्टम में बैठे लोग सरकार की मंशा पर पलीता लगा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बुंदेलखंड के महोबा जिले में देखने को मिला, जहां सिंचाई विभाग ने एक दर्जन मृतक किसानों सहित लगभग 150 किसानों के खिलाफ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर खेती करने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी है। फिलहाल इस मामले में प्रभारी जिलाधिकारी ने मामले की जाँच करने की बात कही है। ये सिंचाई विभाग की घोर लापरवाही कहा जाए तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसे कि हमने 7 सितंबर और 17 सितंबर को एक प्रार्थना पत्र दिया था डीएम सत्येंद्र कुमार जी के समक्ष प्रस्तुत होकर के, कि सिंचाई विभाग द्वारा हम किसानों का आर्थिक शोषण और मानसिक शोषण किया जा रहा है। जो उर्मल बांध की डूब क्षेत्र की ज़मीन है वो हमारी पैतृक ज़मीन है और उस ज़मीन पर ही हम खेती करेंगे। हमने डीएम साहब से कहा कि वो ज़मीन हमारी थी, हमारी है, हमारी ही रहेगी। उस पर पट्टे का हक हमारा है, जोतने का हक हमारा है। लेकिन उस बदले की भावना को देखते हुए सिंचाई विभाग ने अपने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई न करके किसानों के खिलाफ एक प्रतिवेदन दिया है थानाध्यक्ष श्रीनगर को, कि उसमें लगभग 155 किसान हैं, जिसमें से कम दर्जनों किसान ऐसे हैं कि जो पूर्व में मृत हो गए हैं, जिनका डेथ सर्टिफिकेट भी आप लोगों को उपलब्ध कराया गया है। अब हमारी ऐसी भाई कि साहब हमारी जागा पहले जने आए थे वो अभी हम नाम तो जानते नहीं है, वे बंदा पे कह गए थे कि जब जागा किसी को नहीं दे दिया गई, जब कड़ेगी किसानों को वह उसी की जागा दी जाएगी, नहीं तो इस पर मारामल हो जाएगा। तो सबने कह दो तू कि हाँ ठीक है जब बात, तो अब वही आधार पे हम आते सेवा विभाग ने आप दूसरे आदमी को हमारी जागा दो दो तीन तीन बीघा जागा है किसानन के, क्योंकि 10 बीघा है। सिंचाई विभाग द्वारा जो देय सुविधाएँ हम ग्रामीणों को विस्थापितों को मिलना चाहिए थी तो वो नहीं मिली शासनादेश होने के बावजूद भी, और जो हमारी 1300 एकड़ भूमि उर्मेल बांध में गई है तो ये 75 को आधार मान के 84 में इन्होंने कंपलसेशन सिर्फ भूमि का दिया है। उस पर जो परिसंपत्तियाँ थीं पेड़ बंधे कुएँ आदि का, उस अब निर्णय में उन्होंने ये कहा था कि इसका बाद में किया जाएगा, जिसका निस्तारण आज तक नहीं हुआ। हम लोगों ने आंदोलन किया तो उच्चाधिकारियों ने ये कहा कि ठीक है भाई, जब इसमें भराव हो, जैसी नहरें खाली होंगी पानी आगे किसान को मिलेगा और आप लोग अपना उसको लिए रहें। उसके बावजूद भी जो हम उस दायरे में हैं, कई किसान तो ऐसे हैं कि जो 3 एकड़ ज़मीन है, 3 लड़के हैं और रियल में उसको 5 एकड़ मिलनी चाहिए टोटल। ग्राम पिपरा माप में सिंचाई विभाग के द्वारा पट्टे किए गए हैं किसानों को, उनकी शिकायत मिली है, उनकी जाँच की जा रही है, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ विधिक और कठोर कार्रवाई की जाएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।